घाघरा के कहर को लेकर ग्रामीणों की परेशानी के विषय में हम बात करेंगे यहाँ के जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव से डॉक्टर शुभम मिश्रा। SC ST एक्ट के दौरान देखा जा रहा है कि यहाँ पर ग्राम प्रधान का शोषण किया जा रहा है, पुलिसिया मदद से कुछ दबंग ग्राम प्रधान का शोषण कर रहे हैं, ग्राम प्रधान पीड़ित होकर अपना घर छोड़ने पे मजबूर है। हम जानना चाहेंगे क्यों भागना चाहते हैं, अपना घर छोड़कर क्यों भागना चाहते हो? हमारे आगे पीछे बदमाश सब लगा दी, मारा कर मार डाले। किसने लगाया? जानकी पर सर लगाए इन्हें। क्यों बदमाश मार रहे? प्रधान छीन लिया, प्रधान हुए नहीं दिया बदमाश। पूरा मामला भौरी ग्राम पंचायत का। डॉक्टर शुभम मिश्रा, न्यूज प्लस इंडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। विभागीय अधिकारी का क्या बर्ताव है? कुछ बर्ताव नहीं, आते ही नहीं। पूरा मामला भौरी ग्राम पंचायत फकरपुर ब्लॉक का है। डॉक्टर शुभम मिश्रा, न्यूज प्लस इंडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। भौरी ग्राम पंचायत में खड़े हैं, ये ग्राम प्रधान का घर आप देख रहे हैं, एक ग्राम प्रधान का घर, एक ग्राम प्रधान का परिवार है। हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनका क्या है पूरा मामला, आप हमें बताइए कि आप अपने ग्राम पंचायत में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपका मामला? कौन नहीं करने दे रहा है? ये कौन है? क्यों नहीं करने दे रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, घर पर घूस घूस के मारे आवाज। क्यों परेशान करते हैं आपको? जानकी परेशान। क्यों परेशान करते हैं आपको? क्या आपकी उनकी पुरानी कोई दुश्मनी चल रही है? दुश्मनी नहीं, जैसे इलेक्शन लड़ाई नहीं हुई तो जीत गए, तो नहीं काम कर दिया था, हम इनसे अलग हुई थी, उनका नहीं काम कर दिया। ऐसे ऐसे कैसे आपको परेशान करते हैं? आप हमें बताइए क्या है पूरा मामला, कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है सुनने में आया है, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? हम कहा जाते हैं कि हमारी जमीन से जानकी भी हमको लड़ाई में है और सब हमका परेशान कर, सब उनका प्रधान ही देती, प्रधान ही कह लिए तो खुशी रहा था, हम पढ़ा नहीं दिया चाहिए था, हम पढ़ाई अपने बूते चलावा चाहिए था। आपने अपनी जमीन अपनी स्वेच्छा से बेची या फिर किसी दूसरे ने बेचवाई? जानकी प्रसाद ने बेचवाई? हाँ, बेचवाई दस आदमी से दाम ले लेने हैं, मुकदमा हमें लिखा हुआ, हम तहारी देते हैं, हम तहारी सुनी नहीं जाती है। क्यों नहीं सुना जा रहा? क्योंकि आप ग्राम प्रधान है। कहूँ साहब सुनाई नहीं जाते, बस आप ग्राम प्रधान है फिर भी आपका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन आपको परेशान करता? सुनने में आया कि आपको घर चढ़ के कोई मारने आता है, कौन है जो घर घर चढ़ के मारने आता है? चढ़ के राज आए, लल्ला ना आए, राम सेवक आया, उनके लड़का रामू श्यामू आया, घर चढ़ चढ़ आए मारे। इसमें पुलिस कोई कार्रवाई कर रही नहीं? कुछ कार्रवाई किसे, खाली उल्टा कार्रवाई हमें चल रही है, उल्टा आप पे कार्रवाई चल रही है, उल्टा हमें कार्रवाई चल रही है, कोई कार्रवाई कौन नहीं करते हैं, हम सब थाने हमारे सुनवाई नहीं हो रही है। हम उस जगह पर आप लोगों को ले चलते हैं जो घाघरा के कहर से जिन लोगों की जमीनें चली गई हैं और उन पे विभागीय अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ग्रामीण वासियों से बात करना चाहेंगे यहाँ पर। आपका क्या है पूरा मामला? हमारा मामला यह है, 17 बीघा हमारी जमीन थी, वो सब कट गई घाघरा में। विभागीय अधिकारी क्या रवैया कर रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ? कुछ नहीं। क्यों? हमारे यहाँ पर आते भी नहीं, किसी की सुनवाई की गई है या फिर केवल आपकी ही नहीं हुई? कोई की नहीं सुनवाई गई, पूरे गांव की। आप बताएं कि आपके कितने बीघे जमीन थी जो घाघरा में कट गई है? जैसा कि देखा गया, आप हमें ये बताइए कि आपकी जो जमीनें घाघरा में कट गई, क्या उसमें जो विभागीय अधिकारी का रवैया रहा कैसा है? जो अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। विभागीय अधिकारी यहाँ पे आते नहीं, जांच के लिए नहीं आते क्या? कि जांच के लिए नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्या आपको किसी विषय में जानकारी है? जी नहीं। आप हमें बताइए कि आपकी कितनी बीघे जमीन कट गई है? 3 बीघे। तो हमको बताइए कि आपकी जो जमीनें कटी हैं उसमें विभागीय अधिकारी का क्या रवैया है? कुछ नहीं। हम अभी बहराइच के भौरी ग्राम पंचायत में खड़े, अभी हम बहराइच के फखरपुर ब्लॉक घाघरा नदी के पास खड़े हैं जो भौरी ग्राम पंचायत में आता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि ग्रामीणों की जो खेते हैं घाघरा के कहर से कट चुकी हैं और यहाँ पे आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको जो ज़मीनें कट गई हैं, आप देख सकते हैं हमारी ज़मीनों को जो कट गई हैं। हम इस विषय में ग्रामीण कुछ हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। शाहबापुर गोलीकांड के बारे में उनके भाई से बात करना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला आप हमें बताएं।
सर ऐसा है कि शाम सुबह 7 बजे से और कुल मिला के शाम को 6:30 बजे तक हम लोग कोटेदार के यहाँ काम कर रहे थे। अष्टमी का मामला था, उसके बाद वहाँ से आए हम लोग अपने मंदिर पर व्यवस्था कर रहे थे। तब तक रात में 10-11 बजे के बाद पता लगा कि गोली चली है। तो पहले ये हुआ एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग ऊपर तनको गौर नहीं करा। हमारा कुछ पुराना मामला था उनका, इसलिए हम लोग ऊपर गौर नहीं करे थे। इसके बाद में दोपहर से सुबह तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोपहर के बाद ये भवा की गोली लगी है, इन 3 आदमी ने गोपाल और जनादर और दिलराम ने मिलकर गोली मारी। बस उस जगह से हम लोग कहीं अंते चले गए। इसके बाद रात में शाम को वह 8:30-9 बजे के बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। लौट को हम लोगों को भागने से मौका ही नहीं दिया, हम लोग इधर उधर भागते। आपको आपको कैसे पता चला कि ये आपका इसमें हाथ है? लेकिन अब लोग फंसा रहे हैं, आपको मालूम कैसे हुआ कि इसमें आप ही का हाथ है? अब लोग कह रहे हैं, अब जो मुलजिम है वो खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? वो जो है उनका नाम लड़का छेदी का जो लड़का है राजेश, वो कह रहा है कि 3 आदमी ने मिलकर गोली मारी। किसने फंसाया आपको? अब ये फंसाया, हमने कुछ देखा ना, हमने कुछ सामने तो कोई हमने रहा नहीं था। फिर आपको पुलिस क्यों परेशान कर रही है? वो राजेश के कहने से परेशान कर रही है। नहीं, जैसा देखा गया कि आपके घर वालों को और आप लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, क्यों परेशान कर रही है आप लोगों को? तो उन्हें उनके कहने से लोग अच्छा, राजेश जो जो जख्मी हुआ वही है? हाँ वही है। ये पूरा मामला फखरपुर थाना क्षेत्र का। डॉक्टर शुभम मिश्रा, न्यूज प्लस इंडिया, प्रभारी उत्तर प्रदेश। पीछे आपकी जमीन नजर आ रही है, क्या ये बाढ़ पीड़ित ही है? हाँ भैया, बाढ़ पीड़ित है, लेकिन कम से कम 20 साल से हम लोगों के यहाँ मतलब फसल हो रही थी। हम लोगों का जीवन अपन इसी चलता था हमारे गांव सभा का, लेकिन अब इस समय गागरा का बहुत भीषण कहर है, आप देख रहे हैं। हम लोगों का गांव का अस्तित्व इससे पहले 20 साल पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन गंगा जी ने कृपा की थी, गागरा मैया ने, उस जमीन पड़ चुकी थी। लेकिन इस बार वो जमीन फिर उनका कहर जारी है और हमारे गाँव का अस्तित्व फिर एक बार फिर खतरे में है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारे गाँव का किसी प्रकार से बचाया जाए। ठीक है, प्रशासन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कर रहा है। बीच में जैसे देखा गया कि यहाँ खनन माफिया की वजह से, शायद कुछ दिन पहले हमारे संज्ञान में आया था कि खनन माफिया की वजह से यहाँ पे गंगा का कहर ज़्यादा बढ़ गया था, क्या अभी खनन माफिया वही काम कर रहे हैं? नहीं, इस समय खनन तो नहीं हो रहा, लेकिन इससे पहले खनन हुआ था। आप देख सकते हैं सामने जो नदी है, यहीं पर खनन हो रहा था। इस पर ग्रामीणों ने काफ़ी विरोध भी किया था, विरोध करने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने। इसमें हमारे गाँव में दंगा फसाद भी हुए थे, उसमें कई लोग मतलब जख्मी भी हुए थे। ठीक है भैया, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने कोई हम लोगों की हेल्प नहीं की थी और हमारे गांव में खनन इससे पहले 2 पट्टे आवंटित कर दिए गए और उसके हम लोगों ने मना कई बार मतलब अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन भी दिया, गांव के कई लोग उसमें हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन उन लोगों की कोई सुनवाई कहीं पर होती नहीं। जैसा कि आपने देखा, ये पूरा मामला रहा बहराइच जिला फखरपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत भौरी का। डॉक्टर शुभम मिश्रा, न्यूज प्लस इंडिया, प्रभारी उत्तर प्रदेश। बहराइच के फखरपुर ब्लॉक जहाँ पे भौरी ग्राम पंचायत में खड़े हैं, यहाँ पे कुछ दिन पहले देखा गया था कि फखरपुर ब्लॉक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक साहबापुर मोड़ के पास गोली कांड हुआ था, जिसमें एक ग्रामीण के गरीब परिवार के लोगों को फंसाया जा रहा है, नाजायज फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे उनकी माता जी से। आप हमें बताइए क्या है पूरा मामला? हम भैया हमारा लड़का कहाँ सरकारी में फंसावत है, और हम भैया हमारा लड़का हम आए गए हैं, कुछ नहीं। कौन है जो फंसा रहा है? अब यू भैया हम नहीं जानते कि इसको फंसावत है। कैसे आपको पता चला कि उनको फंसाया जा रहा है? मैं जब नाव जान मिला है कि गोपाल के उनको के नाम है, तो यू जाने थे कि हमारा लड़का कहीं फंसावत है, लड़का उनको पर रिपोर्ट है। मैं पीड़ित की पत्नी से बात करना चाहता हूँ, आप बताइए क्या है पूरा मामला?